नारेली स्थित राजस्थान पुलिस की हाड़ीरानी बटालियन में शनिवार को लगभग एक दर्जन जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी जवानों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नववर्ष के उपलक्ष में शुक्रवार रात जागरण का आयोजन किया गया था। जागरण में गाजर का हलवा, आलू मटर की सब्जी, कोफ्ते और पूड़ियां बनाई गई। शनिवार दोपहर जब हलवे का प्रसाद जवानों को बांटा गया, तो कुछ ही देर में प्रसाद खाने के बाद जवान, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत करने लगे। शुरू में तो किसी को माजरा समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब अन्य जवानों को भी शिकायत हुई तो इन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाड़ीरानी बटालियन की इंचार्ज चिकित्सक डॉक्टर रजनी दुबे ने घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। मेरे यहाँ से 9 मरीज आए हैं जेएलएन हॉस्पिटल में। ये लगभग 2 बजे के लगभग आए, मुझे फोन मिला है 2-2:30 के बीच में। मैंने इनमें से सारे पेशेंट को देखा है और सारे पेशेंट को देखा है। इन्होंने रात में खाना खाया है, बिल्कुल ठीक थे, और उसके बाद में इन्होंने सुबह भी खाना खाया है। सुबह खाना खाने के जस्ट बाद में ये मुझे बता रही है, अलग अलग का अलग अलग कमेंट है। किसी को 1 बजे से उल्टी शुरू हुई है, किसी को 12 बजे से उल्टी शुरू हुई है, और पेन अपडामन है, किसी को लूज मोशन है। मैं फूड पॉइजनिंग कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का जो है, खाते ही इमीडिएट वॉमिटिंग शुरू होती है। अच्छा, इमीडिएट वॉमिटिंग शुरू नहीं हुई, मुझे लग रहा है कि इंडाइजेशन एंट्राइटिस तो मुझे लग ही रही है कि इन्फेक्शन है इनको, और एक्यूट एंट्राइटिस लग रही है। गंज थाना अंतर्गत पिछले 1 महीने पहले 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। शनिवार को पुलिस ने नाबालिग और आरोपी युवक दोनों का मेडिकल करवाने के बाद नाबालिग के बयान के आधार पर मुकदमे में पॉस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी। घटना 1 माह पुरानी है। फैसागर रोड निवासी प्रार्थी ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गोटा कॉलोनी बोराज निवासी हरिसिंह रावत भगा कर ले गया है। गंज थाना पुलिस ने आरोपी हरिसिंह के मोबाइल से उसकी लोकेशन ट्रेस की तो उसे महाराष्ट्र के शिरडी में होना पाया, जिस पर एक टीम शिरडी भेजी गई, जहां नाबालिग तो मिल गई लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गया। गंज थाना प्रभारी करण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस नाबालिग को लेकर अजमेर आ गई और उसके बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुक्रवार को आरोपी हरिसिंह रावत के अजमेर आने की सूचना पर उसे रेलवे स्टेशन से ही दबोच लिया गया। शनिवार को दोनों का मेडिकल करवाकर आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। ये प्रकरण 1 महीने पहले दर्ज हुआ था, पीड़िता के पिता ने दर्ज किया था, जो फैसागर रोड के रहने वाली है। आरोपी इसमें हरि सिंह रावत है, गोटा कॉलोनी बोराज फैसागर रोड अजमेर का रहने वाला है। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात इसका कॉल डिटेल्स वगैरह के आधार से हमें पता चला था कि ये महाराष्ट्र में कहीं रह रहा है। पता चलने पर शिरडी महाराष्ट्र यहाँ से पुलिस टीम गठित करके भिजवाई, वहाँ से पीड़िता को दस्तियाब किया और आरोपी जो है वो वहाँ से पुलिस का जो ही पता लगा वहाँ से गायब हो गया और यहाँ अजमेर के लिए रवाना हो गया। पीड़िता को दस्तियाब करने के बाद में दूसरे दिन तुरंत यहाँ जो ही इसके कॉल डिटेल्स और आसूचना के मुताबिक ये जो ही रेलवे स्टेशन अजमेर पहुँचा तो इसको रेलवे स्टेशन पर दर दबोचा और कल इसे गिरफ्तार किया है। आज इसका मेडिकल कराया है और पीड़िता का भी कराया है।